हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में आज हम नया किस चीज़ पे बात करने वाले हैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से बाउचर में आ जाते हैं। अब बाउचर में आ गए, परचेज बाउचर में आ गए, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर हम अप्लाई कर देते हैं, लाइक ये घनश्याम सी करके मैंने लिखा है, इसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड ले लिया, तो कीबोर्ड की लोकेशन, ये कीबोर्ड का स्टॉक जो है कहाँ पर रखेंगे, कौन से गोडाउन में रखेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं न्यू कॉलोनी गोडाउन में 500 कीबोर्ड्स रखने वाला हूँ, जिनकी प्राइस क्या होगी, 500 रुपये खरीद रेट होगी, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, अगर और भी कीबोर्ड्स किसी अन्य गोडाउन में आप रखना चाहते हैं, लाइक राघवनगर गोडाउन में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 400 कीबोर्ड के जो आइटम्स हैं वो राघवनगर गोडाउन में रख लिया, एंटर प्रेस किया, नीचे आए, ठीक है। अब फिर एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये लाइक इसी के ठीक नीचे, फिर यहाँ पे कीबोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ दो बार कीबोर्ड की बात हो रही है, देख सकते हैं आप। देवरिया गोडाउन है, यहाँ पर आ गए और देवरिया गोडाउन में 55 आइटम हम रख लेते हैं और प्राइस सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो मरतबा हमने बात की किसकी, कीबोर्ड की, और दो बार जब कीबोर्ड की हमने बात, एक बार और बात कर लेते हैं कीबोर्ड की, तो यहाँ पर फिर से मैंने लिखा कीबोर्ड, तो ये तीन बार हो जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं न्यू कॉलोनी गोडाउन की, तो न्यू कॉलोनी गोडाउन में फिर 50 रखा हमने, और इस तरीके से यहाँ पर तीन गोडाउन में हमने सामान रखा है, तीन क्या दो ही रखा है, तो यहाँ पे तीन बार एंट्री पास की है हमने, मतलब तीन बार नाम लिखा है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं एक बार, दो बार डी प्रेस करते हैं, और यहाँ पर 9 नंबर का जो हमारा बिल है वो यही है, और अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, और आई बटन प्रेस कर लेते हैं प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी के ठीक नीचे आया हुआ है 500, देख सकते हैं यहाँ पे 55, ये देख रहे हैं, ये अगर सब टोटल करना है आपको, सब टोटल करना है, नीचे लोकेशन भी प्रिंट हुआ है, देखिए ये लोकेशन भी प्रिंट हुआ है, ठीक है, कि कौन से गोडाउन का है ये, तो ये अगर सारी चीजें आपको प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि ये प्रिंटिंग में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इसको प्रिंट करवाने जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका बिल है, तो अल्ट पी करेंगे प्रिंट करवाने के लिए, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ कॉन्फिगर पे जाएंगे, तो जब कॉन्फिगर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैचेस डिटेल और फिर मिलेगा लोकेशन, तो लोकेशन का नेम और एड्रेस जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको लोकेशन का नाम प्रिंट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन का नाम प्रिंट कराने का तरीका है, ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये लोकेशन का नाम कैसे प्रिंट कराया जा रहा है। अगर आपको सब टोटल करना है तो यहाँ शो मोर दिया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है शो सब टोटल आफ्टर ईच लाइन, तो इसको भी मैंने यस कर रखा है, जिसकी वजह से सब टोटल भी आपको शो कर रहा है। तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, देखिए सब टोटल आपको शो भी हो रहा है, यानी कितने यूनिट है, ये नीचे भी शो हो रहा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी,